उधर चल। हाँ यहाँ से किसान है ना तू, किसकी किसान है, किसकी किसान? लोग बुनावला। की बुनावला लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली शिमली से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से 6:30 बजे से। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुहाना है। उधर की साइड से प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो अभी मेरी हो गई है खेत जाने की तैयारी। बाकी यहाँ पे मेरी गुड़िया यानी कि मेरी भतीजी तो बोल रही है बुआ जी मैं भी आऊँगी आपके साथ में, तो आज ये मेरी मदद करने के लिए आएगी, है ना? तो चलो, तो चलते हैं खेत की ओर। और घर में अभी बच्चे लोग तो सो रखे हैं और घर का काम करेगी छोटी बहन, मतलब नाश्ता नुश्ता कोई बनाएगी। अभी ये छोटी सी किसान भी हो गई है मेरे साथ खेत में आने के लिए तैयार। तो आराम से आराम से चलो। तो भाई इतना सारा काम मैंने अकेले अकेले किया है, तो आज गुड़िया भी आ रही है मेरे साथ। तो बेटियां होती ही ऐसी हैं भाई, हैं? आम बाद में निकालेंगे, नीचे की साइड चलना है, नीचे की साइड। हाँ आम तो बाद में निकालेंगे ना। चलो था, चलो मेरी गुड़िया। तो मेरी दीदी है कि मैं तेरी बुआ हूँ? अच्छा, तो बोलती है कि मेरे को दीदी बोलो तब खुश हो जाती है, तो इसको दीदी बोलना है। मेरी गोदी में आ रहे आप हैं? गोदी में आ जाओ तब। ऐसी किसान है भाई, क्या करें था? रुक जाओ, मेरे को आगे जाने दो। अब आओ, अब आओ, आओ, पकड़ के रखना है। तो ये देखो भाई, ये है किसान। किसान को ले जा रही मैं खेत में। चलते हैं फटाफट से और आप लोगों को भी मिलते हैं खेत में। तो अभी हम लोग भी पहुंच गए हैं खेत में। ऊपर से जा रहा है हेलीकॉप्टर जो कि जा रहा है केदारनाथ धाम में। बाकी यहाँ पे मेरी किसान भी, चलो काम करो। हाँ वो हेलीकॉप्टर को मत देखो, काम करो। तो ये देखो हमारे पहाड़ों के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हाथ में मत लगाना वाह। तो मैं भी पकड़ती हूँ फटाफट से कुदाल, और जब तक तेज वाली धूप लगती है हम लोगों को घर जाना है। बस 1 या 1.5 घंटे तक रहूँगी आज, क्योंकि मेरे साथ में गुड़िया भी आ रखी है। तो ज़्यादा दोस्तों, अब मैं अभी मैं खेत में आई हूँ दीदी के साथ। अब थोड़ा गोट है, अभी कितनी सारी धूप लग गया ना, ठंडी ठंडी हवा खाए थे, घर से आए थोड़ा खेत में कुटार पक रखी है, अब खाऊंगे। आज के साथ आई हूँ, यहाँ देखो ना मैं दाल बोल रही खान रही, दाल बोता है तब देख क्या कितने मैंने खाएंगे कर जल ले दी कुटुल। तो अभी ये जा रही है अपना कुदाल लेने के लिए, और इसको पता नहीं है कि बुआ जी मेरी वीडियो बना रही है। चल दी घर। हाँ बोल रही है चलते हैं आप घर। हाँ चलते हैं घर। कल गुडला ये था? कल गुडला। हाँ ये था, वो था भी। हाँ वो खुमा तो गुड़ी मुझे। कल सार बंद हुए जाने। सार बंद हुए जाने? अच्छा, तो इनके यहाँ सार होती है, तो सार कभी कभी बंद भी होती है और खुली भी होती है। बाकी अभी थोड़ा सा मतलब धूप जैसी हो रही है तो बच्चों के साथ में जल्दी जाना होता है। बच्ची तो मैं ही हूँ ना, ये तो दीदी है मेरी, है ना दीदी? हाँ। तो दीदी बोलो दोस्तों, चलते हैं घर की ओर। देखते दोस्तों कल गुड़ेंगे
का शहर बंद होने वाली है, बाद में खुले होने वाली है। हाँ दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल? मेरे भी दूध बना। आप ले जा रही दरांती? दरांती में ले जाती ना? ना। आप लो तो, हाथ मत काटना है। तो कुछ नहीं बोल रही दोस्तों के लिए? हेलो दोस्तों, आजकल मैं मौसियों के घर आ रही हूँ। मौसियों के? भूली के? भूलियों के घर आ रही हूँ। हाँ। हेलो दोस्तों, घर जाने की तैयारी हो रही है। अभी हम घर जा रहे हैं, तब देखें, तब घर में खाना बनाएंगे हम। खाना तो आयशा ने बना रखा होगा ना, है ना? इतनी छोटी सी बच्ची है और इसका दिमाग बहुत तेज है भाई, और सुनेगी ना तो सब चीज समझती है। बोलते हैं मेरे को दीदी, बोल आती भूली। आपने मेरे को क्या बोलना है? चलो ऊपर जाते हैं। हाँ, जाते हैं दोस्तों। अच्छा थोड़ा तो अच्छा अच्छा देखते हैं क्या क्या हो रहा है ना दोस्तों। दोस्तों थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ पे छाया है, थोड़ा छाया पे बैठते हैं, ठीक है? हाँ दोस्तों, अच्छा लगता है ये भी ब्लॉगर बनेगी भाई। ब्लॉगर बनोगे आप? सामने से कंडाली गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्यारी सी। अभी धूप खिली हुई है और सामने, ये ठीक सामने पे है जैली गांव, और हमारा घर है यहाँ ऊपर की साइड। तो अभी आजकल ना बरसात का टाइम शुरू हो गया है, तो अच्छी सी घास खिली हुई है। हाँ यहीं से आ रही, यहीं से आओ ना। हाँ यार, मैं इतनी अकल तो मुझे भी नहीं है, वहीं से। हाँ तो मेरी को बोल रही है वहाँ से मत जाओ, यहाँ से चलते हैं, वहाँ से आप गिर जाओगी। तो जहाँ से ये बोलेगी वहीं से जाएंगे भाई हम भी। और गढ़वाली में बात करती है तो बहुत प्यारा बोलती है। बेटा ये काव्या गढ़वाली में बोल दी तुम्हारी गाड़ी बीच छेच बिछा दे दो। हाँ घास के तो ले जानी तो। हाँ इधर देख के तो ले जानी गाय को। गढ़वाले में बोल दी आपके गाय को। गोड़ी ते गोड़ी ते ले जानी। थकान भी लगी? तो थकान बिल्कुल भी नहीं लगी। बड़े बड़े पता नहीं यार कहीं करी बोलू गड्ढा इन्हें आया दी इन्हें। हाँ इन्हें चल इन्हें पता नहीं यार, एक चल दी इन रास्ता चल। हेलो दोस्तों, आजकल घर की बात है। नहीं यहाँ से चलते दोस्तों। अब कितने किसान है मेरी लाडिया भाई, है ना? उधर चल। हाँ यहाँ से किसान है ना तू? किसकी किसान है? किसकी किसान है तू? कांडा छनू कांडा तोड़िया छन। हाँ चल दी आराम से चल। हाँ कहा दिया तुम्हार गाँव का अक्ष कख माथी जा, जा, आप देखता देखता।
जहाँ देवता देखने का ही। हाँ वही तो मैं एक बार अपनी नानी के गांव गई थी, तब ये बहुत छोटी छोटी थी, तब की याद है इसको कि जहाँ आप देवता देखने गई थी वहीं है मेरा गांव। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, तो देखते हैं घर पे इन लोगों ने काम धाम किया है कि नहीं, है ना। तो चल दो चल मेरा बच्चा, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया होगा काव्य। क्या कर रहे हो? वो गड्ढा है तूने मम्मी, तीन बोल चना में, तीन बोल चना में काम धाम कर, चल हर मिट्टी में क्यों खेल दे? अब नहीं खेलूं, खेल बोले छो ना, काम धाम कर कुछ, अब नहीं खेलूं मम्मी। वहां मेरे को भूख लग गई थी। इसने कितना खराब कर दिया यहाँ, क्या करें आप? मेरे को डर लग रहा था मम्मी, तो डर लग रही है। तो आजकल तो मुझे ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, काव्या सबको देख रही है। आते ही ना वो बुआ की पिटाई करने लगी कि तेरे को बोला था काम धाम कर, तो कुछ किया ही नहीं। तो काव्या बोल दो, दोस्तों ये कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं कर रही ना ये काम धाम। दीदी तो घास लेके भी आई। सॉरी मम्मी, वहाँ पे बैठ गया है टेबल पे। टेबल में? हाँ मेरे को भूख लग गई है। चल तो दूध, चल खाना खाने। मम्मी दूध चाहिए मेरे को। दूध है क्या यहाँ? मेरे कप, मेरे हाथ में दूध है। दूध बनाओ मेरे लिए मम्मी। क्या दूध? दूध करी, दूध बनाओ मेरे लिए। चल कुटाने आ रहे। ये तो इतनी दादागिरी दिखा रही है ना, क्या ही बोल सकते हैं, मुझे भी डर लग रहा है। दीदी लो एक कुदाल भी पकड़ो, और मैं भी उसको दीदी ही बोलूंगी क्योंकि वो सामने सामने। मैंने आपको क्या बोलना? दीदी ही बोलना है ना। अरे मत मार उसके कपाल में कुदाल की, उस इस समय तो वो काम कर रही है शायद। मिट्टी आ जाएगा मम्मी, मिट्टी में खेल। हम दोनों के दोनों ऐसे करेंगे ना, कैसे? ऐसे, और किसी को नहीं बताएंगे। कर दो पिटाई। चलो भाई काव्या के रहते हुए घर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिलहाल भूली भी लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने में किचन गार्डन की, और इधर की साइड है फूलों की बगिया, तो उसको भी बहुत अच्छे से उसने साफ किया है। तो बाकी और लोग तो कुछ नहीं करते हैं, तो कल से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है भाई। तो अब थोड़ा सा प्रणाम जी, प्रणाम, हाथ में धुलते हैं, उसके बाद करते हैं नाश्ता। मम्मी।